सुप्रभात बच्चों बच्चों कल हमने अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पाठ 6 नाव बनाओ नामक कविता पढ़ी। आज हम उसी कविता की व्याख्या करेंगे और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। तो पहले पद में प्रस्तुत कविता के पहले पद में कवि अपने बड़े भाई से जिद करता है। जिद करते हुए कह रहा है कि भैया जल्दी आओ और मेरे लिए नाव बनाओ। देखो बादल घिराया है और अपने साथ सात समुद्रों के जितना जल भर लाया है, तुम भी नाव बनाकर आनंद का रस भर लाओ। दूसरे पद में कवि कह रहा है कि बादलों को देखकर लगता है कि पानी इतना ज़्यादा बरसेगा कि मोहल्ले की लंबी चौड़ी गलियों को भर देगा और देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ये गलियां ना होकर नदी हों। तुम भी इन्हीं लहरों की तरह से लहराओ और मेरे भैया जल्दी आ जाओ। तीसरे पद में कवि बाल सुलभ भावनाओं से प्रेरित होकर कह रहा है कि आपकी गुल्लक मेरी गुल्लक से बड़ी है, उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं। अपने ही गुल्लक खोलना, मेरी गुल्लक मत टटोलना, वह आपकी गुल्लक से हल्की है। और हाँ, नए नए सिक्के ही निकालना, उसके बाद लपक कर जल्दी बाजार जाओ। चौथे पद में कवि उत्साहित होकर कहता है कि बाजार से तुम चमकीला लाल हरा नीला पीला और रंग बिरंगा रंगीला कागज़ ले आओ, कैंची चुटकी और हाथ जरा जल्दी चलाओ। पांचवे पद में कवि कल्पना करते हुए कहता है कि छप छप कर कूड़ों कचरों से रुकती हुई फिर बूंदों और लहरों से लड़ती हुई बढ़ती हुई मेरी नाव को देखकर सबकी आंखें चढ़ जाएंगी और सब ईर्ष्या करने लगेंगे, मेरे बड़े भैया मुझे खुश कर दो, ऐसी नाव बना करके पानी में तैरा दो। और अंतिम पद में कवि के बार बार आग्रह करने पर भी बड़े भैया नहीं आते और ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मुझे नहीं आता, ये मेरे बस का नहीं है। कवि कहता है कि क्या कह रहे हो, मेरे बस का नहीं है? क्यों, फिर यह किसके बस का है? ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे आलस्य का दोष है। आलस्य छोड़ दो तो सब कर पाओगे, भैया मेरे जल्दी आओ। तो बच्चों ये रहा पाठ 6 कविता नाव बनाओ की व्याख्या। अब हम इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ, शब्द समुंदर, अर्थ समुद्र, शब्द धरेगा, अर्थ रखेगा, शब्द रोलो, अर्थ लुढ़काओ, शब्द अड़ती, अर्थ रुकती, शब्द हर्षाओ, अर्थ खुश करो, शब्द होट, अर्थ दोष या कमी। बच्चों ये रहा इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न की वर्कशीट हल करेंगे और उसके बाद गृह कार्य, जिसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में स्वयं नोट करिएगा।